If each edge of a cube is doubled, then the percentage increase in its total surface area is. अब हम देख सकते हैं कि एक क्यूब हमारे सामने बना हुआ है और क्यूब का एक साइड अगर हम a मान लें तो जैसा ये हम लोग जानते हैं कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और एक सरफेस जिसका साइड a हो उसका एरिया होता है a स्क्वायर तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर अब जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि इसका जो एक साइड है वो डबल कर दिया गया यानी कि a से 2a कर दिया गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू h इज इक्वल टू 2a और अगर न्यू एज अपना 2a हो गया तो जो नया क्यूब बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया भी 6 टाइम्स एज का स्क्वायर होगा तो नया टोटल सरफेस एरिया 6 टाइम्स 2a का स्क्वायर हो जाएगा और 6 टाइम्स 2a का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा आपका 24a स्क्वायर के तो अब हमें पता चल गया कि पुराना जो टोटल सरफेस एरिया था वो था 6a स्क्वायर और जो नया टोटल सरफेस एरिया है वो है 24a स्क्वायर तो अब हमारे पास पुराना सरफेस एरिया है नया सरफेस एरिया है हमको परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100 तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि न्यू वैल्यू है 24 स्क्वायर माइनस ओल्ड वैल्यू दैट इज 6a स्क्वायर अपॉन ओल्ड वैल्यू दैट इज 6a स्क्वायर इनटू 100 हम ऐसा करेंगे तो हमें परसेंटेज चेंज मिल जाएगा और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 300% तो ऊपर दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 300% नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सेज a upon 3 इज इक्वल टू b upon 2 is equal to c upon n 1 then we have to find the value of a plus b plus 2c upon b तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखता है हम लोग एक काम करते हैं हमेशा कि a upon 3 is equal to b upon 2 is equal to c upon 1 और इसको हम लोग एक चीज के और इक्वल मान लेते हैं कांस्टेंट k के इसको एक कांस्टेंट के से इक्वेट कर देते हैं क्योंकि इस तरह से एक कांस्टेंट से इक्वेट करने से हम लोगों को a की वैल्यू मिल जाती है 3k a is equal to 3k b is equal to 2k and c will become equal to k now to find the value of the expression that is given जो एक्सप्रेशन हम लोग को दे रखा है a plus b plus 2c upon b इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो a b और c की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाली है उसको इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ऐसा करने पर हम देखेंगे कि अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3k plus 2k प्लस 2k दैट इज 7k डिवाइडेड बाय 2k इसमें k और k आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग का एक्सप्रेशन की वैल्यू बचेगी 7/2 एंड 7/2 इज आल्सो इक्वल टू 3.5 सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट अब ये क्वेश्चन
बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x माइनस के वाई इज इक्वल टू टू एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशंस। तो हम लोग को दो इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि उसके यूनिक सॉल्यूशंस हो। इस तरह की दो इक्वेशंस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं और दो इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस ना हो इसका मतलब वो दो स्ट्रेट लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसा होता है दो इक्वेशंस होती हैं, अगर वो पैरेलल हैं लेकिन जो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वो अलग अलग है तो वो दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी और दो पैरेलल लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब उसके यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो देखिए इसका ये होता है सच टू इक्वेशंस विल ऑलवेज हैव यूनिक सॉल्यूशंस इफ लाइक अगर हम दो इक्वेशंस माने ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एम, तो ये दो इक्वेशंस जैसा कि मैंने बताया दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी और वो पैरेलल लाइंस को तब रिप्रेजेंट करेंगी जब ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये दोनों लाइंस हमेशा दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी और जब यही नॉट इक्वल टू ए अपॉन एल इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन एम होगा तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। तो जो दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी वो कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी और उसके यूनिक सॉल्यूशंस भी होंगे। तो अभी के लिए केवल हम लोग को ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसी दो इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ए अपॉन एल इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन एम। तो हम लोग ऊपर से ए एल बी और एम की वैल्यू कॉपी करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन टू, जो हम लोग के ओरिजिनल इक्वेशन थे उनके कोएफिशिएंट्स हैं ये। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा के इज नॉट इक्वल टू माइनस 2/3, तो दैट इज अवर फोर्थ ऑप्शन और सॉरी थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। A can do a work in 6 days, B takes 8 days to complete it, C takes as long as A and B would take working together, how long will it take B and C to complete the work together? तो जब हम लोग को इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये निकाल लेना चाहिए कि अगर ए टोटल वर्क करता है 6 डेज में तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। ऑब्वियसली एक दिन में वो 1/6 ऑफ टोटल वर्क करेगा, तो इस तरह से 1 डे वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा और 1 डे वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया गया है सी टेक्स एज लॉन्ग एज ए एंड बी विल टेक वर्किंग टुगेदर, तो इसका मतलब सी एक दिन में उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 डे वर्क ऑफ सी इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी, so this will be equal to 1/6 plus 1/8, so which will be equal to 7/24। और क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि बी और सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो हम लोगों को ये निकालना जरूरी है कि एक दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पता लगाएंगे कि 1 डे वर्क ऑफ बी
plus 1 day work of C is equal to, so this will be equal to 1 by A plus 7 upon 24, 10 upon 24. So this is 1 day work. 1 day work of B and 1 day work of C. 1 day work of B and C combined together is 10 by 24. That is 5 by 12. So 1 day work aa gaya. So how many days they will take together to complete the work? That will be inverse of this value. That is 12 by 5, and 12 upon 5 can also be written as 2 whole number 2 by 5. So we can see that option 4 of the above is correct. In an examination, the mean marks scored by a class of 30 students was calculated as 58.5. Later on, it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 57. Instead of 75, find the correct mean. So इस question को solve करने के लिए हम लोग सबसे पहले total marks निकाल लेंगे. Total marks of 30 students. So total marks will be mean marks into number of students, and this will be equal to 58.5 into 30. That is 1755. अब इस टोटल में एक बच्चे के मार्क्स रॉन्गली कॉपी हो गए थे, तो हम लोग इससे जो मार्क्स रॉन्गली कॉपी हुए थे 57, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे. और 57 की जगह जो एक्चुअल में होने चाहिए थे 75, उसको ऐड कर देंगे. तो ये हम लोग के एक्चुअल टोटल मार्क्स आ जाएंगे जो होने चाहिए थे. और एक बार हम लोग को एक्चुअल टोटल मार्क्स मिल गए, तो उसके बाद मीन निकालने के लिए तो जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसके टोटल को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मीन आ जाएगा. दिस मीन इज 59.1. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स का सेंट्रोइड दे रखा है एक्स और वाई के टर्म्स में, और हम लोगों से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला है. तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रोइड निकालने का प्रोसीजर जान लेते हैं. अगर एन पॉइंट्स हों, x1, y1, x2, y2 से लेकर xn, yn तक, तो इनका सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 अप टू xn टोटल समेशन डिवाइडेड बाय n, कॉमा सम एंड समेशन ऑफ y1, y2, y3, y4 अप टू yn डिवाइडेड बाय n, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फार्मूला. यहाँ पर सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो अपना सेंट्रोइड x, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3. और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3. तो इससे हम लोग की दो इक्वेशंस बन जाएंगी, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 2. और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोगों को इसी तरह से y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 9/2. तो हमको x मिल गया 2, y मिल गया 9/2. तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया. द पॉलिनोमियल ax³ + bx² + x - 6 has x + 2 as a factor and leaves remainder 4 when divided by x - 2. Find the value of a and b. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा. तो वैसे तो हम लोगों को सिर्फ इसके एप्लीकेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत सिंपल थ्योरम है, तो मैं ये थ्योरम के बारे में बता दूँ. ये थ्योरम क्या कहती है? किसी भी पॉलिनोमियल P
पी एक्स को अगर हम एक्सप्रेशन एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो उसका क्वोशेंट 2x हो और रिमाइंडर rx बचे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग पी एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और अगर हम इस तरह से लिखें तो हमें ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर किस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग का जो फर्स्ट टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगा जो कि आर एक्स है। तो इस थ्योरम से हमको ये पता चलता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें किसी एक्सप्रेशन x प्लस a से डिवाइड करना हो तो अगर हम उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू माइनस a डालेंगे तो जो एक्सप्रेशन की वैल्यू बचेगी वो उसके रिमाइंडर के बराबर होगी, दैट इज़ आर एक्स के बराबर होगी। तो इसी थ्योरम का हम लोग को थ्योरम को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके हम लोग को एप्लीकेशन को यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को हम लोग यही थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमको बताया गया है क्वेश्चन में कि x प्लस टू इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, इसका मतलब अगर x प्लस टू इसका एक फैक्टर है तो अगर हम x की वैल्यू माइनस टू डालें इस पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर ज़ीरो बचना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करके जब हम करेंगे तो हमें पहली इक्वेशन प्राप्त होगी a और b के टर्म्स में। तो x इज इक्वल टू माइनस टू डाल के हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन होगी माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू दिस लीव्स अ रिमाइंडर फोर, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू टू रखते हैं इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो बचेगी वो होगी फोर। तो हम लोग ऐसा करके देखते हैं तो हमें अपनी सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है जो कि है, इसको सिंप्लीफाई करके जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो है 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब हमको ऊपर जो इक्वेशन मिली थी माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, उसको भी फोर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड तो सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी, और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दे दोनों साइड तो सिंपल इक्वेशन मिलेगी टू ए माइनस बी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन बोल देंगे। और जो नीचे इक्वेशन मिली है 2a प्लस बी इज इक्वल टू टू, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देंगे। और अब हम लोगों को मिल गए दो इक्वेशन, दो अननोन, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशंस वन और टू को ऐड कर देंगे तो हम लोग को एक्सप्रेशन मिलेगा 4a इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब है कि a इज इक्वल टू ज़ीरो। और a की वैल्यू ज़ीरो हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज इक्वल टू टू, हम लोग का आंसर आ गया a इज इक्वल टू ज़ीरो एंड b इज इक्वल टू टू।
So this is option. Option number 2 of this question is correct. A non-terminating but recurring decimal is, तो हमें 4 options दे रखे हैं, तो ये मैं बता दूं कि non-terminating but recurring decimal is a rational number. Rational number वो number होता है जिसको हम लोग ratio के form में express कर सकते हैं. Ratio मतलब x upon y या किसी भी form a upon b इस तरह के form में जिस भी number को express कर सकते हैं उसको rational number बोलते हैं. तो ये a non-terminating but recurring decimal एक rational number होता है और non-terminating but non-recurring decimal that is non-repeating decimal वो एक irrational number होता है. तो अब चूंकि इस question में हम लोगों से non-terminating but recurring decimal के बारे में पूछा गया है तो हम लोग non-terminating but recurring decimal के बारे में बात करेंगे और हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक non-terminating और recurring decimal एक rational number होता है. तो इसके इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई भी एक नंबर मान लेते हैं. हम इस non-terminating but recurring decimal को x मान लेते हैं. तो x कुछ इस तरह का हो जाएगा. हमने माना है x is equal to 0.aaaa जहाँ पे a वो डिजिट है जो कि रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रही है. और अगर हम लोग ऐसा मान लें तो अगर हम लोग दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 10x is equal to a point aaa जहाँ पे a अभी भी रिपीटिंग है. तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी. इक्वेशन 1 x is equal to 0.aaa recurring in finite times and 10x is equal to a point aaa. और इस अवस्था में जब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9x is equal to a. 9x is equal to a इसका मतलब x is equal to a by 9. जैसा कि हमें विजिबल है यहाँ पे, हमने अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल x माना था और x हमें मिला है एक फ्रैक्शन के फॉर्म में a by 9. अब चूंकि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि x को हम एक फ्रैक्शन a by 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर हम x को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली x एक रैशनल नंबर है. तो इस चीज़ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होता है. पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पूरा प्रूफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इतना याद रखना सफिशियंट है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल एक इरेशनल नंबर होता है. इन द फॉलोइंग फिगर पी ए बी इज अ सेकेंड एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल. इफ पी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड वी हैव बीन टोल्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि टेंजेंट किसे कहते हैं. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक सर्किल या किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं. और सेकंड बोलते हैं जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को, और जैसा कि इस केस में सर्किल को, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे एक सेकंड बोलते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जिस थ्योरम की हेल्प लेंगे उसको बोलते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम. इस टेंजेंट सेकंड थ्योरम को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग को इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. इस एग्जामिनेशन के पर्पज़ से हम लोग सिर्फ इसको याद रखें, उतना ही सफिशियंट है. तो एज पर टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो कि पी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये एज पर टेंजेंट सेकेंड थ्योरम होता है. हम लोग को इसको याद रखना चाहिए. कभी भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो हमें याद रखना चाहिए कि एज पर टेंजेंट सेकेंड थ्योरम पी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी.
तो हम लोग इस चीज़ को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं पीटी हम लोगों को दे रखा है पीटी इज इक्वल टू 5 और पीए दे रखा है पीए इज इक्वल टू 3 और हम लोगों को ए भी फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हम लोगों की इक्वेशन बन जाएगी 25 इज इक्वल टू 3 इंटू पीबी। तो पीबी को हम लोग पीए प्लस एबी भी लिख सकते हैं, तो हम लोग उसी तरह से लिख देंगे। और अगेन जैसा कि हमने कहा कि पीए की वैल्यू हमको दे रखी है 3, तो हम लोग की इक्वेशन हो जाएगी 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस एबी। और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पीए प्लस एबी हो जाएगा हम लोगों का 25/3 और एबी की वैल्यू 3 है, सॉरी पीए की वैल्यू 3 है, तो एबी हो जाएगा 25/3 माइनस 3, सो दैट इज 25 - 9/3 दैट इज 16/3। तो अब देखें 16/3 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है ऊपर, 16/3 इज ऑप्शन नंबर 1, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन सेज दैट द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ इफ एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 32 degrees एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 70 degree देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी बी सी। तो इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं डी बी एंड ए सी दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ, एंगल डी ए सी इज गिवन 32 degrees एंड एंगल ए ओ बी इज 70 degrees। लेट अस अज्यूम दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एक्स, देन वी सी दैट एंगल ए सी बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 32 degrees एज एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए सी एज बोथ आर द ए डी एंड सी बी आर पैरेलल लाइन्स एंड ए सी इज इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ देम, सो एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 32 degrees। सिमिलरली वी विल सी दैट एंगल ए ओ बी इज गिवन एज 70 degrees एंड एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 - 70 degrees दैट इज 110 degrees। नाउ वी सी दैट दिस बी ओ सी इज अ ट्राइंगल, सो बी ओ सी इज अ ट्राइंगल दैट मीन्स वी नो द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 degrees, सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ओ विल बी इक्वल टू 180 degrees, सो एंगल बी ओ सी इज 110 degrees, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 32 degrees एंड एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एक्स, सो 110 प्लस 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 degrees दैट मीन्स 142 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 degrees दैट फर्दर मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू 180 - 142 degrees दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू 38 degrees। दैट मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 38 degrees विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन पर मेंशन करें। थैंक यू।